नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आज अशोक लेलैंड BS6 मॉडल 2820 HG वेरिएंट में, और चार तरह के वेरिएंट आते हैं। एक तो आपको जो हमारे सामने ठीक खड़ा है, उसके बाद तीन तरह के आपको कंपनी कैबिन मिलते हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, AM वो उनका ये आपको नाम HM HU और HN वो सारी वेरिएंट्स। और ये हम काउल चेसिस का फुल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इस गाड़ी की अगर कीमत की बात कर लें तो कीमत इस गाड़ी की 24 से 25 लाख रुपए की इस गाड़ी की कीमत रखी हुई है 10 टेरा की। यहाँ पर देख सकते हो आप 10 टेरा गाड़ी, और आगे देख सकते हो आप अवतार सीरीज में गाड़ी है अशोक लेलैंड की तरफ से आई हुई है। अशोक लेलैंड का यहाँ पर बैजिंग लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और जो रेडिएटर है और रेडिएटर फैन है, BS4 में ये प्रॉब्लम थी, उसके सेंट्री में नहीं था, रेडिएटर रेक्टेंगुलर था और फैन सुकेयर में था, तो इस वजह से वो सेंटर में नहीं आया था। इस BS6 में ये सेंटर में कर दिया है, ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। और यहाँ पर आगे देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको 2820 की यहाँ पर बैजिंग लगी हुई है, और जो बम्पर है वो भी चेंज किया है BS6 में, डबल हेडलाइट्स यहाँ पर साथ में दी हुई है, नीचे वाला बम्पर बहुत ही हैवी दे दिया है, और यहाँ पर नंबर प्लेट आपको साथ में मिलेगी। अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप मडगार्ड बहुत ही यहाँ पर हैवी दे दिया है, यहाँ पर इंडिकेटर स्विच दिया हुआ है, इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पर हैं, और साथ में 3 स्टेप्स कैबिन में चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। कैबिन की हम बात आपको लास्ट में बताएंगे, सबसे पहले चेसिस का यहाँ पर देखिए, जो BS6 में जो आपको यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, जो यहाँ पर देखो DPF SCR टेक्नोलॉजी हो, IGR टेक्नोलॉजी इसमें सारी यूज़ हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो जो पाइप की जो लेंथ है, जो यहाँ पर आगे दे आप देख सकते हो, यहाँ पर 1.2 मीटर की यहाँ पर साइलेंसर पाइप की यहाँ पर लेंथ की है। ये क्या है, टेम्परेचर मेंटेन कर ही यहाँ पर, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और 48 लीटर का AdBlue टैंक यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिक का, और ऊपर देख सकते हो आप गेज यहाँ पर लगे हैं, फिल्टर्स यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं। चेसिस में आप देख सकते हो यहाँ पर हैवी चेसिस, सिंगल चेसिस 11 इंच की यहाँ पर साथ में दी हुई है, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हैं बॉडी बनने के लिए, ये ब्रैकेट्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, एडुए और जो राप्टर यहाँ पर लगेंगे उसमें, यहाँ पर आप नट बोल्ट्स भी कर सकते हो और यू बोल्ट भी आप यहाँ पर क्लैंप कर सकते हो, किसी बात कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर देख सकते हो आप प्रेशर टैंकी था जो इस गाड़ी की, वो बिल्कुल अंदर की है 2820 में, कोई प्रेशर टैंकी आपको बाहर नहीं नजर आएगी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 प्रेशर टैंकी है वो साथ में है, और 2 प्रेशर टैंकी हैं वो बिल्कुल बैटरी के बक्से के नीचे रखी हुई हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर साथ में पीछे की तरफ दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो मेन टायर है और डमी टायर देख सकते हो आप बिल्कुल, और उसका जो व्हील बेस है, काफ़ी तरह का व्हील बेस इस गाड़ी में आपको साथ में मिल रहा है। 20 फीट में भी ये गाड़ी आ रही है, 22 फीट 24 फीट 26 फीट 28 फीट 30 फीट और 32 फीट, हर एक वेरिएंट में 2-2 फीट वेरिएंट में आपको ये गाड़ी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मॉड्यूलर फॉर्म आ रही है इस गाड़ी की, आप कस्टमर अपने हिसाब से आप चेसिस ले सकते हो और अपने हिसाब से आप इंजन ले सकते हो, 200 हॉर्स पावर का ले सकते हो, 300 हॉर्स पावर का, 250 हॉर्स पावर का आप ले सकते हो। इसमें मॉड्यूलर फॉर्म कस्टमर को बहुत ही यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाती है, आप कैबिन कंपनी कैबिन आप भी ले सकते हो, तीन तरह कंपनी कैबिन आपको अशोक लेलैंड में आ रहे हैं। और 295/90R20 के टायर्स इस गाड़ी में आपको साथ में मिलने वाले हैं, और जहाँ पर देख दो, और जहाँ पे मेन बात जो चेसिस के सारे नट बोल्ट हैं ये बाहर की तरफ निकाल कर कसे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप अंदर से पाए हुए हैं और इसको खोलने में आसानी रहती है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चेसिस सिंगल चेसिस है, BS4 में यहाँ पे डबल और ट्रिपल चेसिस भी हुआ करती थी, यहाँ पर अभी सभी सिंगल चेसिस कर दी है। और यहाँ पर जो क्रॉस मेंबर्स है वो बहुत ही यहाँ पर हैवी लगा दिए हैं लेलैंड की तरफ से। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे जो बैक लाइट्स है वो LED बैक लाइट्स इस गाड़ी में साथ में लग चुकी हैं, सेंसर्स थोड़े से बाहर निकाले हैं, उसको क्या होता है उसके जो नट बोल्ट्स है पीछे, जो बैक लाइट है नट बोल्ट टाइट की हुई है, इसको हम पीछे कर देंगे और ये लाइट्स पीछे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेंसर, ये थोड़े सेंसर्स बाहर निकाले हुए हैं, इसको भी हमको थोड़ा सा अंदर करना पड़े, 2 इंच चेसिस से बाहर हैं। और एक बात, चेसिस में ऊपर की तरफ कोई भी शेद नहीं किया हुआ कंपनी ने, पहले क्या होता था BS4 में यहाँ पर शेद हुआ करते थे और जो क्लैंप उस पर, अभी हमने यहाँ जो यहाँ पर राप्टर लगे हैं, यहाँ पर राप्टर कसे जाएंगे और बत्ता यहाँ पर कसा जाएगा, चेसिस में कोई वेल्डिंग पॉइंट्स नहीं रहेगा, तो चेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर पीछे जो बैक प्लेट चेसिस है वो भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैवी की हुई है। अगर हम डीजल टैंक की बात करें तो यहाँ 220 लीटर का, 300 लीटर का और 375 लीटर का डीजल टैंक आपको साथ में मिलता है, प्लास्टिक का भी ऑप्शन आपको साथ में रहता है और एल्यूमिनियम प्लस स्टील का ऑप्शन भी आपको साथ में रहता है। और बैटरीज देख सकते हो आप, 120 एम्पीयर का ये करंट प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटर पर, और यहाँ पर 2 बैटरीज 12-12 बोल्ट के आपको 24 बोल्ट का करंट गाड़ी में देंगे। कट ऑफ स्विच यहाँ पर साथ में लगी हुई है, सेंसर्स का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंडिकेटर्स भी यहाँ पर साइड पर दिए हुए हैं, काफ़ी ध्यान में रखकर पूरी सेंसेबल ये गाड़ी बनाई हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो आप,
डीजल पंप भी यहाँ पर साथ में दिया हुआ है, बिल्कुल हैंडी डीजल पंप दिया हुआ है। टीकेओ का ऑप्शन भी यहाँ पर साथ में रह रहा है। और जो वायरिंग है वो देख सकते हो आप, काफ़ी कवरिंग हुई है वायरिंग की, हर एक तरह से वायरिंग पूरी कवरिंग हुई ताकि बर्न्ट ना हो बिल्कुल भी वायरिंग। और एच सीरीज़ का गाड़ी में इंजन आपको इंजन दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप गाड़ी का इंजन, एच सीरीज़ का BS6 इंजन आपको, 6 सिलेंडर का इंजन आपको साथ में मिल रहा है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो 200 HP की और मैक्सिमम न्यूटन मीटर 700 न्यूटन मीटर की प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम ETON का यहाँ पर गियर बॉक्स आपको मिलता है, 6 स्पीड आपको गियर बॉक्स मिलते हैं। अगर हम आगे डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हो, आपको डैशबोर्ड में हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको गाड़ी का इंजन का एक बार हम स्टार्ट करके आपको इंजन की साउंड बताते हैं BS6 की। यहाँ पर देख सकते हो हम इंजन हमने स्टार्ट कर लिया है और इंजन की आवाज़, अभी गाड़ी ये गर्म है और अभी हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, अभी गाड़ी आई है और एक्सीलेटर दे रहे हैं, गर्म इंजन है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, ₹2600 पर ये गाड़ी चल रही है अभी। यहाँ पर देख सकते हो आप गाड़ी की इंजन की बहुत ही स्मूथ आवाज़ है। और आगे हम आपको एक बार दिखाते हैं जो इसकी LED स्क्रीन है, 2 इंच बाई 4 इंच की, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा किलोमीटर पर आर, और फ्यूल टैंक की जानकारी भी आपको यहाँ पर साथ में मिलेगी, और RPM मीटर और प्रेशर कितना है गाड़ी में, दोनों प्रेशर टैंकीज में रिवर्स में और फॉरवर्ड में, वो भी आपको साथ में मिलेगा। और जो एक फंक्शन था यहाँ पर राइट साइड पर, आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलती थी वो अभी राइट लेफ्ट साइड पर कर दिया बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पर ब्लोअर्स की ऑप्शन यहाँ पर रहती है, बाकी फ्यूज़ बॉक्स वगैरह वहाँ पर आपको साथ में आते हैं, और जो भी गाड़ी के साथ मिरर्स वगैरह वाइपर मशीन वगैरह वो सारी साथ में ही आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और अगर गाड़ी ढलान पर है तो आप यहाँ पर स्विच लगा सकते हो, अगर आप रीजन स्विच ऑन करना है तो आप रीजन स्विच यहाँ से ऑन कर सकते हो, जो कालिख वगैरह है वो वहाँ से निकल जाती है, ये नया पार्ट है। ब्लोअर का ऑप्शन यहाँ से दे कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो ब्लोअर्स को ऑप्शन को, और यहाँ से आपका हॉर्न वगैरह यहाँ पर काम करेगा, और हेडलाइट्स वगैरह इंडिकेटर्स टर्न इंडिकेटर्स यहाँ से होंगे गाड़ी के, और यहाँ पर आपको वाइपर्स के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग देख सकते हो आप गाड़ी का। और चलिए हम आपको एक बार नीचे स्टीयरिंग बॉक्स भी आपको एक बार हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप गाड़ी का स्टीयरिंग, ZF कंपनी का यहाँ पर स्टीयरिंग बॉक्स लगा हुआ है। और जो एयर क्लीनर है यहाँ पर देख सकते हो आप, ड्राइवर साइड के बिल्कुल नीचे एयर क्लीनर कर दिया है, और 312 cc का एयर कंप्रेशन इस गाड़ी में साथ में आ रहा है, तो बहुत ही हैवी ये गाड़ी यहाँ पर बनाई हुई है। और हम एक बार आपको यहाँ पर हम आगे की तरफ दिखा देते हैं, जो सारी असेंबली हुई है गाड़ी की, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर असेंबली, यहाँ पर देखो टफन कोटिंग यहाँ पर हुई है इंजन की बोन्ट की तरफ, ताकि हीट वगैरह अंदर कैबिन में ना जा पाए। और यहाँ पर देख सकते हो इंटीकूलर की पैकिंग बिल्कुल ठीक जगह पर हुई हुई है, और वहाँ पर देख सकते हो आप अल्टरनेटर का भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सारा आपको फ्यूज़ बॉक्स का यहाँ पर आपको स्टैंड मिलेगा, उसका कवर आपको यहाँ पर अंदर की तरफ आपको कवरिंग मिलेगी फ्यूज़ बॉक्स की। 2820 का आपको रिव्यू कैसे लगा तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। अगर आप कोई भी इंक्वायरी है आपकी इस ट्रक के रिगार्डिंग वो भी आप कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।